हेलो गाइस, वेलकम टू द कार शो। आज आपके सामने है ऑल न्यू 2023 Volkswagen Virtus। Volkswagen Virtus 2023 का प्राइस 11.48 लाख रुपीस से स्टार्ट होता है और जाता है 18.77 लाख रुपीस तक। रिसेंटली Volkswagen इसका ब्लैक कलर नया इंट्रोड्यूस किया है, तो आज की इस वीडियो के अंदर हमारा मेन फोकस रहने वाला है इसका ये नया ब्लैक कलर, जो कि आप देख रहे हैं टॉप ऑफ द लाइन GT प्लस वेरिएंट के अंदर। अगर एक्स शोरूम प्राइस की बात करें, 18.77 इसका ना एक्स शोरूम प्राइस है। तो क्या कुछ इसके अंदर बेसिकली ऑफर किया जाता है वो हम आज की इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। बाकी साथ में इसका बेस वेरिएंट भी खड़ा है, इसके साथ कंपैरिजन वीडियो में ऑलरेडी शूट कर चुका हूँ, वो भी एक दो दिन में पोस्ट हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना वो कंपैरिजन देखने के लिए। बाकी इस ब्लैक बीस्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इसमें देखने को मिल जाएगा Volkswagen का लोगो एंड फ्रंट ग्रिल देख लो कुछ इस तरह की है। GT लाइन की बैजिंग के साथ ये आएगी। टर्बो पेट्रोल इंजन आपको इसमें मिलता है 1.5 लीटर का GT वाले वेरिएंट में, और TSI में आपको मिलता है 1.0 लीटर का, दोनों ही टर्बो पेट्रोल है, ये अच्छी बात है। हेडलैम्प यूनिट की बात करें तो LED आपको यहाँ प्रोजेक्टर में दिया गया, LED DRLs आप देख सकते हो, इंडिकेटर भी यहाँ पे LED में, फॉग लाइट आपको यहाँ हेलोजन में मिलेगी, क्रोम लाइनिंग आपको मिल जाती है काफी अच्छी लग रही है, ग्लॉसी ब्लैक इंसर्ट्स आपके यहाँ फ्रंट पर पूरे मिल जाते हैं। अगेन ब्लैक कलर के साथ काफी ज्यादा ये सूट करते हैं। हेडलैम्प का रिस्पांस बहुत ही ज्यादा तगड़ा है। बाकी बेस वेरिएंट के अंदर भी ना आपको यहाँ पे LED सी ऑफर की जाती है, लेकिन यहाँ पे प्रोजेक्टर है, वहाँ पे नॉर्मल रिफ्लेक्टर से ये डिफरेंस आएगा। और अगर अब इसके इंजन की डिटेल में बात करें, 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल, दो इंजन ऑप्शन आपको यहाँ पर बेसिकली ऑफर किए जाते हैं। कोई भी डीजल वगैरह इस कार में नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल का ही ऑप्शन देखने को आपको यहाँ मिलता है। फिलहाल यहाँ से खोल लेते हैं इसका एक बड़ी हुड एंड अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका इंजन कंपार्टमेंट। 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन है, जो कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंजन ही आपको मिलता है। 150 PS और 250 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क ये निकाल कर देता है। 4 सिलेंडर का पेट्रोल इंजन है, एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ, इंसुलेशन वगैरह आपको ऐसे यहाँ पर प्रोवाइड नहीं की जा रही है। फिलहाल कर देते हैं इसको फिर से बंद एंड अब ना बात कर लेते हैं इसके साइड प्रोफाइल के बारे में। साइड में ना आपको यहाँ पे सबसे पहले तो देखने को मिल जाते हैं इस पे कुछ इस तरह के 16 इंचेस के अंदर अलॉय व्हील्स, जो कि आते हैं पूरे ब्लैक कलर के अंदर। रेड कलर के अंदर आपको यहाँ पे ब्रेक कैलिपर्स देखने को मिलेंगे। टायर प्रोफाइल आपको यहाँ पर मिलते हैं 205/55R16 सीएट ब्रांड के यहाँ पे टायर्स हैं। ऑल फोर डिस्क ब्रेक्स आपको यहाँ पर इस कार में प्रोवाइड की जाती है। GT लाइन की आपको यहाँ बैचिंग मिल जाएगी। ओवर व्हील आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट एंड फोल्ड कर सकते हैं। इंडिकेटर भी आपको यहाँ पर इसी के ऊपर मिल जाएगा। ओवरऑल साइड प्रोफाइल का लुक कुछ इस तरह का रहने वाला है Volkswagen Virtus ब्लैक कलर का। बाकी ना यहाँ पर इसके अंदर क्रोम विंडो लाइनिंग भी आ रही है, ये आप देख सकते हैं। टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है तो क्रोम लाइनिंग आ रही है, साथ ही क्रोम डोर हैंडल्स भी आ रहे हैं रिक्वेस्ट सेंसर के साथ। बाकी लुक आप देख सकते हैं ऐसे कुछ यहाँ पर रहने वाला है साइड से। ऊपर आपको यहाँ पर इस पर सनरूफ मिल जाती है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एंड पीछे आपको यहाँ पर शार्क फिन एंटीना भी प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ पर आपको एक स्पॉइलर भी इसमें मिल जाता है, जो कि केन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा, अगर आपको पता लग पा रहा हो, ये वाला ब्लैक और ये वाला ब्लैक थोड़ा डिफरेंट टोन में है, मेरे को ऐसा लग रहा है या है ऐसा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। यहाँ से आप ओवरऑल एक बड़ी लुक देख लो, ऐसा कुछ यहाँ मिलने वाला है। रियर की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले ओवरऑल लुक रियर से Virtus का ऐसा कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लग रहा है। LED के अंदर ना आपको यहाँ पर इस पर टेल लैम्प्स ऑफर की जाती हैं, आप देख सकते हैं ऐसी कुछ ये रहने वाली है। बाकी इसी के अंदर ना ये वाला पार्ट जो ऊपर वाला, ये वाला भी ग्लो करेगा रेड के अंदर ब्रेक वगैरह जब आप प्रेस करेंगे, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। GT लाइन की बैचिंग है, Virtus की बैचिंग यहाँ पर है, Volkswagen का लोगो है एंड लुक आप देख सकते हैं ऐसा कुछ ये कम्प्लीट है। 3 पार्किंग सेंसर्स आपको यहाँ पे नीचे की तरफ मिल जाते हैं, रिफ्लेक्टर्स हैं, साथ ही क्रोम इंसर्ट्स और ब्लैक इंसर्ट्स भी आपके यहाँ पर इसमें मिल जाएंगे। रियर डिफॉगर आ रहा है इसमें एंड ब्रेकलेट आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी, ऐसी कुछ आपको मिल जाती है। बूट खोलते हैं इसका जल्दी से। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन मिलेगा। पहले वाली Volkswagen कार्स के अंदर ना ये वाला जो पूरा लोगो था, तो यही पूरा एक तरह से वर्क करता था टेलगेट को ओपन करने के लिए। LED लाइट्स आपके यहाँ मिल जाती हैं। बूट स्पेस बहुत ही ज़्यादा शानदार आपके यहाँ पर इस कार में प्रोवाइड किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। ओवरऑल इसकी स्टोरेज स्पेस अच्छी खासी है। रियर सीट 60/40 स्प्लिटवे में आ रही हैं, ऊपर आपको लाइट मिल जाती है, काफ़ी अच्छी स्टोरेज स्पेस यहाँ पर ओवरऑल है इसके अंदर। नीचे स्पेयर व्हील रखा गया इसके, जो कि है सेम साइज़ का ही, एंड टूल किट भी आप यहाँ पर इसकी देख सकते हैं। एंड ओवरऑल बूट ऐसा कुछ यहाँ पर आपको मिलने वाला है। यहाँ से बंद करते हैं इसको एंड अब वीडियो में ना आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा आपकी कार के लिए एक बहुत ही बढ़िया कार परफ्यूम के बारे में, जो कि है इन्वॉल्व वन का सिट्रस कार परफ्यूम। ये परफ्यूम ना एक बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग सी ओवरऑल फ्रेग्रेंस आपको प्रोवाइड करता है। इसका आप यहाँ पे नाम से पता लगा पा रहे हो कि एक आपको फ्रेश लेमन्स का एहसास मिलने वाला है इसको कार के अंदर लगाने के बाद। ऊपर फ्रेग्रेंस कंट्रोल लिड है। परफ्यूम ये बहुत ईजिली 50-60 डेज तक लास्ट भी कर जाता है। ज़रूर से जाकर इसे बाय कर लें, लिंक आपको इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी फिलहाल के लिए रख देता हूँ मैं इसको यहाँ पर इस बॉटल होल्डर के अंदर, ताकि कार के अंदर ना
एक मस्ती ओवरऑल फ्रेग्रेंस आ जाए। डोर पैड आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसा कुछ यहाँ आपको मिल जाएगा, ड्यूल टोन ब्लैक एंड बेज कलर के अंदर है। ऑल फोर पावर विंडो कंट्रोल्स आपके यहाँ पर इसमें मिल जाएंगे एंड ओवरएम से इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट एंड फोल्ड कर सकते हैं। ऐसा कुछ यहाँ पे आपको हैंडल मिलता है, यहाँ पर लेदर पैडिंग है, नीचे आपको बॉटल होल्डर स्पीकर मिल जाएगा, ऊपर यहाँ से आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं, ऐसा कुछ आपको मिल जाता है। एंड ओपनिंग इसकी अच्छी खासी आपको मिल जाती है। कार के अंदर एंटर एग्जिट करने में आपको यहाँ पर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अंदर आती है आपको यहाँ पे मैनुअल एडजस्टमेंट देखने को मिलती है इसकी सीट्स के अंदर, हाइट भी आप यहाँ पर इसकी एडजस्ट कर सकते हैं और कुछ ऐसा आपको यहाँ पे लेआउट मिल जाएगा। नीचे ऐसे कुछ यहाँ पे इसके पेडल्स रहने वाले हैं। और अब मैं चलता हूँ कार के बाकी, तो गाइस मैं आ चुका हूँ कार के अंदर एंड वीडियो मांगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है जरूर से वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ ना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। देखो पसीना कितना ज़्यादा आ रहा है, इतनी गर्मी में शूट कर रहा हूँ तो यार सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ऐसा कुछ यहाँ पे आपको लेआउट कंप्लीट इसका मिलने वाला है। यहाँ से मैंने अभी कार को ऑन किया, इंजन स्टार्ट स्टॉप स्विच आपको यहाँ मिलेगा, कीज़ में आपको दिखा देता हूँ, ऐसे कुछ यहाँ पे रहने वाली है। लॉक अनलॉक और टेलगेट ओपन करने का ऑप्शन आपको यहाँ मिलेगा, फ्लिप की आएगी यहाँ पर फॉक्स वैगन के लोग के साथ। बाकी अगर आप कोई सी भी फॉक्स वैगन की कार लेना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं लाली मोटर्स में, जो कि है चंडीगढ़ में इंडस्ट्रियल एरिया फेस वन में। यहाँ पर ना आपको सभी कार्स के बेस्ट डील्स एंड क्विकेस्ट डिलीवरीज प्रोवाइड की जाती हैं। बात करते हैं यहाँ पर कार के बारे में, तो सबसे पहले आप यहाँ पर इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा शानदार फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको ऑफर किया जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। स्टेयरिंग व्हील यहाँ पर कुछ इस तरह का आएगा, लेदर आप स्टेयरिंग व्हील है यहाँ पर इस कार के अंदर। यहाँ पर आपको सभी मीडिया एंड टेलीफोनी कंट्रोल्स मिल जाएंगे, इधर आपको क्रूज कंट्रोल दिया जा रहा है। ऑटो हेडलैम्प्स वगैरह आपको यहाँ पर इसमें ऑफर किए जाते हैं, आप देख लो यहाँ पर इसमें ऑटो हेडलैम्प्स का स्विच, यहाँ से आप इसकी फॉग लाइट भी ऑन कर सकते हैं, ऐसे कुछ यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। हेडलाइट लेवलर है इस इवेंट आपको यहाँ पर इसमें मिल जाएगा। यहाँ पर ना इसमें वाइपर के लिए टॉगल दिया गया और इस साइड पर आपको इंडिकेटर और हाई बीम के लिए दिया गया। और लाइट्स का रिस्पॉन्स ना ये देखो दिन में भी पता लग रहा है, अगर आपको दिख रहा हो कैमरा में, बट रियल लाइफ में दिख रहा है, LED में बहुत ज़्यादा दम होता है। यहाँ पे आप देख लो ओवरऑल लेआउट इसका ऐसा कुछ रहने वाला है। स्टेयरिंग व्हील एडजस्टमेंट की बात करें तो इसको आप यहाँ पर इसमें टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ही वेज में ना एडजस्ट इसमें कर सकते हैं। और ये भागते भागते है, पता नहीं क्यों वापस मुड़ गए। यहाँ पर आप देख लो यहाँ पर ना स्क्रीन आपको मिल जाती है इसमें 10.25 इंचेस की, जो कि अगेन काफ़ी अच्छी है। एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार पे आपको यहाँ दोनों वायरलेस मिल जाएंगे और आपको यहाँ AM/FM मिले तो TSP जैसे बेसिक फीचर्स मिलते हैं। कार के रिलेटेड भी आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, जैसे कि ये व्हीकल स्टेटस आपको मिल जाएगा एंड इन्फॉर्मेशन वगैरह आप इसमें चेक कर सकते हैं। नेविगेशन भी आएगी इसके अंदर, जो कि एक्टिवेट होगी कार को परचेज करने के बाद। ट्रैक्शन ऑन ऑफ भी यहीं से आप इसमें कर पाएंगे। दो AC वेंट्स हैं, फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आ रहा है इस कार में, आप देख लो टच बेस्ड ये पूरा का पूरा रहने वाला है। काफ़ी अच्छा ओवरऑल फील इसको यूज़ करने में आता है एंड थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट ही कर सकता है ड्राइवर को चलाते हुए, बाकी वैसे देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। वायरलेस चार्जर आएगा इस कार में, यहाँ पर आप देख सकते हैं दो टाइप सी पोर्ट्स हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे आपको गियर लीवर मिलेगा। रिवर्स गियर लगाने पर आपके यहाँ पर कैमरा का डिस्प्ले मिल जाएगा, ठीक ठाक क्वालिटी है इसमें। एंड यहाँ पर फिर न्यूट्रल ड्राइव एंड इसके अंदर भी ऊपर लाइट्स आती रहेंगी। स्पोर्ट्स मोड के अंदर यहाँ पे मैनुअल मोड भी है, प्लस माइनस आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। स्टार्ट स्टॉप स्विच यहाँ पर आपने देख लिया, ऑटो इंजन ऑन ऑफ आ रहा है, वेंटिलेटेड सीट्स आ रही हैं इस कार में, यहाँ से आप दोनों ही ऑन ऑफ इसमें कर पाएंगे। और फिलहाल मैंने बंद कर दिया। पेडल्स मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख लो ऐसे कुछ यहाँ पे पेडल्स आएंगे इस कार के अंदर, काफ़ी स्पोर्टी ओवरऑल ये लगते हैं। सेफ्टी के अंदर आपको यहाँ पे 6 एयरबैग्स ऑफर किए जा रहे हैं, फ्रंट 2 साइड कर्टन सीट्स के साइड्स पे भी एयरबैग्स हैं और आपको यहाँ एवीएसबिलिटी ब्रेक असिस्ट स्पेसिफिक सीट बाउंस ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे काफ़ी सारे और भी सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। ऑटो डिमिंग IRVM है, यहाँ पर टिकट होल्डर है, इधर आपको मिरर मिल जाएगा। बाकी सनरूफ आ रही है इस कार में वन टच ओपन क्लोज फंक्शन के साथ, जो कि है इलेक्ट्रिक सनरूफ। एंड ये देखो ऐसे कुछ ओपन हो गई है एंड बाहर का व्यू आप देख लो ऐसे कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। फिलहाल करते हैं इसको बंद, गर्मी बहुत ज़्यादा है एंड इसको ना आप ऊपर टिल्ट भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, ये देखो ऐसे कुछ टिल्ट हो जाएगी। बाकी बंद कर देते हैं अभी एंड इसको आपको मैन्युअली ही करना पड़ेगा जैसे कि सभी कार्स के अंदर होता है। ग्लव बॉक्स अच्छी खासी स्टोरेज स्पेस के साथ आपको यहाँ पर इसमें मिल जाता है। ग्लॉसी ब्लैक आपको यहाँ पर इसमें पूरा पैनल दिया जा रहा है। हजार लाइट का स्विच यहाँ पर है इसके अंदर ना, यहाँ पर एम्बिएंट लाइट भी आएगी, वो लाइट ऑन करने पर आपको दिखेगी। लाइट मैंने ऑन कर दी यहाँ पर, अगर आपको दिख रही हो थोड़ी थोड़ी रेड कलर में एम्बिएंट लाइट वगैरह आपको यहाँ पर इसमें पूरी मिल जाती है। रात के टाइम पे बहुत अच्छी लगती है, कार काफ़ी ज़्यादा ना स्पोर्टी लगती है रेड इसके पूरे इंसर्ट्स वगैरह के साथ। बाकी तो सेफ्टी के अंदर आपको पता ही है फॉक्सवैगन ग्रुप है, 5-star सेफ्टी इनको मिलती ही मिलती है एंड ये कार भी कोई डिफरेंट नहीं है, 5-star सेफ्टी रेटिंग्स के साथ ये आती है, तो सेफ्टी में भी बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है इस कार के अंदर। और अब आपको लेकर चलता हूँ इसकी रियर सीट्स में। तो चलो अब मैं वैसे आ गया शोरूम के अंदर, बाहर वाली के अंदर सामान पड़ता रियर में एंड ये आपको दिखाता हूँ। डोर पैड कुछ इस तरह का आपको यहाँ पर मिल जाएगा,
ड्यूल टोन ब्लैक एंड बेज कलर के अंदर। यहाँ पे पावर विंडो का स्विच है, यहाँ पर ना पूरी सॉफ्ट टच फिनिशिंग आपको मिल जाएगी, ग्रैब हैंडल ऐसे कुछ यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, ऊपर डोर हैंडल सिल्वर कलर में, स्पीकर बॉटल होल्डर आपको मिल जाएगा, अच्छी खासी ओपनिंग वगैरह आपको यहाँ मिल जाती है, कार के अंदर एंट्री एग्जिट करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें 179 mm की आपको यहाँ ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, जो कि ना बेस्ट इन सेगमेंट है। SUV वाला आपके साथ यहाँ पे सेडान के अंदर ही फॉक्सवैगन प्रोवाइड करी है। यहाँ से आप इसका फ्यूल टैंक ओपन कर सकते हैं, साइडवेज ऐसे ओपन होगा, पेट्रोल का ही ऑप्शन आपको मिलता है, डीजल वगैरह यहाँ पर इसके अंदर ऑप्शन ही नहीं आता है। अंदर आपको यहाँ पर इस पर 3 हेडरेस्ट देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप देख सकते हैं तीनों एडजस्टेबल टाइप के हैं। बाकी यहाँ पर सेंटर में ना इस पर आर्मरेस्ट भी आपको मिल जाएगा, एंड इस आर्मरेस्ट के अंदर आपके यहाँ पर इसमें 2 बॉटल होल्डर्स भी ऑफर किया जाता है। रियर एसी वेंट्स आ रहे हैं इस कार में, नीचे आपको यहाँ पे टाइप सी पोर्ट्स वगैरह मिल जाते हैं, मैट्स वगैरह इसमें अब लग चुके हैं, बाकी कार डिलीवरी के लिए रेडी हो चुकी है वाली। अंदर बैठ के आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको ना ओवरऑल वैसे बिल्कुल भी कमी नहीं फील होने वाली है नी रूम, लेग रूम और हेड रूम की, बहुत ज्यादा ओवरऑल कंफर्टेबल एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। यहाँ पर लाइट है इसमें LED के अंदर, और डैशबोर्ड लाइट देख लो ऐसा कुछ यहाँ पे रहने वाला है, यहाँ पर बैक सीट से और मैप पॉकेट्स वगैरह आएंगे इसके अंदर। ये आप देख रहे हो यहाँ का कम्प्लीट सेटअप हम बहुत ही माइनर से आपको यहाँ पे मिल जाता है। और अब हम फिर से चलते हैं कार के बाहर एंड बात कर लेते हैं। तो गाइस ये थी कंप्लीट वीडियो ऑल न्यू 2023 Volkswagen Virtus के टॉप ऑफ द लाइन GT प्लस वेरिएंट की। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो जरूर से वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और ये कार आपको कैसी लगी ये मैं कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, साथ ही मैं आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा इन्वॉल्व के सिट्रस कार परफ्यूम का, जिसे कि जाकर आप जरूर से बाय कर लें, ताकि आप भी मेरी तरफ अपनी कार के अंदर एक मस्ती फ्रेग्रेंस का मजा ले सकें। बाकी अब बात कर लेते हैं इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में। तो गाइस इस पर्टिकुलर कार टॉप ऑफ द लाइन GT प्लस DSG वेरिएंट का ना एक शोरूम प्राइस है 18.77 लाख रुपीज। और ये कार अब आपको चंडीगढ़ के अंदर पड़ने वाली है ऑन रोड तकरीबन 21.5 लाख रुपीज की। और अगर आप इसे जल्द से जल्द बाय करना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं लागी मोटर्स में, जो कि है इंडस्ट्रियल एरिया फेस 1 चंडीगढ़ में। थैंक यू।